जय श्री कृष्ण। नमस्कार पेरेंट्स। मैं आज आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक है जनरेशन गैप का। कृपया नोट करें, जब हम छोटे थे हमारे पास बहुत सारी चीजों का अभाव था, और इस अभाव के प्रभाव में हुआ ये कि हमें वो जो अभाव था, यानी जिन चीजों की हमारे जीवन में कमी थी, उसको पूरा करने के लिए हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे। एग्जाम्पल, हमारे पास ठीक से पेन, एक्स्ट्रा पेन नहीं होती थी, जूते चप्पल के चले जाते थे, हमें बार बार नए कपड़े नहीं मिलते थे, हमारे लिए कार एक सपना था, हमारे लिए खुद का घर भी हमारी जनरेशन में एक एक करके बन रहे थे और बड़ी मेहनत से बन रहे थे। तो ये सभी चीजें हमारे पास नहीं थी, तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे। अब जरा कल्पना कीजिए, ये जो नई पीढ़ी है, इसके पास तो घर है, बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, माता पिता ने कमाई हुई इज्जत भी है, तो क्या वही सपने दिखाकर हम इस नई पीढ़ी को मोटिवेट करते कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा दोस्तों, और आप भी मेरे साथ शायद एग्री करोगे, कि नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें चाहिए दोस्तों कि नई पीढ़ी को मोटिवेट करने के लिए हमें एक नई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। उनको उनका पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके उसमें कुछ बड़ा करने की, नेक्स्ट लेवल करने की, सोशल इम्पैक्ट करने की प्रेरणा हमें उन्हें देनी पड़ेगी। और अगर ये उनका टैलेंट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और कोई बड़ा इम्पैक्ट जो वो कर सकते हैं उसका मोटिवेशन उन्हें नहीं दे पाए, तो दोस्तों ये बच्चे लाइक जो होते हैं और कमेंट जो होते हैं और जो व्यूज होते हैं उसके ट्रैप में फंस जाएंगे, और अपने समय को और समय के साथ जीवन को भी डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करेंगे। दोस्तों, मेरे पास हर हफ्ते कम से कम 5 से 6 बच्चे आते हैं जो मार्ग से भटक गए हैं। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, मोबाइल और चाहिए और चाहिए और चाहिए कहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कुछ बच्चे कहते हैं मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे आपने अच्छी पेरेंटिंग नहीं की, बहुत सारे ब्लेम गेम चल रहे हैं दोस्तों। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ अनुभव आ रहा है, आपके आसपास कुछ बच्चे हैं जो ऐसे गलत चीजों में फंस रहे हैं, माता पिता के साथ वाद विवाद कर रहे हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मेरी आप सबसे विनती है दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए, हमारे पेरेंटिंग के अलग अलग प्रोग्राम में आइए। चाहे तो आप हमारे साथ 1-to-1 सेशंस भी बुक कर सकते हो, हम साथ में आगे बढ़ने की सोचेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय श्री कृष्ण।